शायद आप चार घंटे में पहुंच रहे हो। आई एम वेरी सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 8:38 इन द मॉर्निंग। गाड़ी की पहली सर्विस भी हो चुकी है 500 किलोमीटर वाली और मैंने रैन माउंट भी लगा दिया है और इसमें कुछ प्रॉब्लम है वो आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फ्यूलिंग भी हो गया है, अभी इसका जो ट्रिप ए है उसको ज़ीरो करते हैं। अरे यार ये ट्रैफिक मेरे को पता था, गूगल ने ऑलरेडी वार्निंग दे चुका था कि ट्रैफिक होगा। आई थिंक ये एक बार निकल जाऊँ तो फिर बस एक भिवंडी का टेंशन है, उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको भी मेरे को वेल्डिंग करवाना है यार। 15 minutes later. ये कल्याण का कुछ करो यार, यहाँ पे सब बाइकर्स लोग हैं। गूगल आंटी हमको कौन से गांव में घुमा रही है क्या पता नहीं, लेकिन अवश्य हम कोई तो गांव में पहुंच गए। ये भिवंडी के बाद ये काम्बे ब्रांच, काम्बे गांव है कोई तो। 10:02 एंड वी आर एक्सट्रीमली लेट। ओ माय गॉड, रोड अच्छा है यार, लाइक इट। आई डोंट लाइक दिस स्पीड ब्रेकर, मतलब एक पल के लिए आप हवा में रहो, दूसरे पल पे तुरंत आपको जमीन पे लेके आती है ये स्पीड ब्रेकर। So here we have stopped at Usgaon है, और ये मोबाइल का माउंट जो मैंने ख़रीदा था उसको वेल्ड करने का था, सो दैट आई एम डूइंग हियर। क्योंकि अंबरनाथ में से हम लोग सुबह जल्दी निकले इसलिए वो वहाँ पर कर नहीं पाया। नाउ आई हैव वेल्डेड दिस, लेट्स ट्राई अगर इस पर माउंट फिक्स होता है तो, नहीं तो फिर हमको दूसरा ही मोबाइल होल्डर ख़रीदना पड़ेगा। तो हम लोग ने वो जो रबड़ का इशू था उसको वेल्ड कर दिया और अभी फाइनली एकदम मजबूत हो गया ये, तो अभी हिलेगा ही नहीं। नाउ द मोबाइल इज सेफ। तो अभी बढ़ते अपने भाई की तरफ। ये ब्रजेश्वरी का जो रोड है यहाँ से हमको शीर्षद फाटा करके कोई जगह है वहाँ पे आजिम रुका है। अभी कोई इशू नहीं है नेविगेशन के लिए, कोई टेंशन ही नहीं है। शीर्षद फाटा पहुंच गए आजिम। आजिम ब्रो वेयर आर यू, उसका शक्ल देखना है मेरे को, पिछले 2 घंटे से बेचारा वेट कर रहा है। धूप में क्यों खड़ा है ये, कह रहा आजिम। एंड देयर इज आजिम। अपाचियन भाई, शायद आप चार घंटे में पहुंच रहे हो। आई एम वेरी सॉरी दैट आई गॉट लेट, इट्स बिकॉज समटाइम्स इट्स बिकॉज सबको उठा रहा हूं भाई। दिस इज अपाचे 204V विद राइडिंग मोड्स, दिस इज अपाचे 204V विदाउट राइडिंग मोड्स बट सिंगल चैनल एबीएस।
लेकिन इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, इसमें भी है, सब कुछ सेम है, बस ये सिंगल चैनल और इसमें राइडिंग मोड्स नहीं है, इसमें डुअल चैनल है और राइडिंग मोड्स है। ये पालघर के अंदर आता है ये शीर्षत फाटा। सो ये सोचा हम लोग ने यहाँ पे कुछ खाएंगे, लेकिन दुकान भी अब भी चालू हुई है, सब कुछ मिल नहीं रहा। सो लेट्स बिकन आ गया ने? जो मदपन और वांद्री लेक, ये दोनों के लिए एक ही रास्ता है, तो हम लोग जा रहे हैं वांद्री लेक। अगेन द रोड इज सो सो ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो द व्यू, लुक एट दिस मैन, ओ माई गॉड। मतलब ये कितना कितना सुकून है, मतलब पूरी हफ्ते आप मेहनत करो और एट द एंड ऑफ द वीक, माई गॉड, बहुत सुकून है इधर। एंड वांद्री लेक यहाँ से सिर्फ 8 मिनट और है, मतलब अराउंड 2.9 किलोमीटर मोर। इट्स 12:45 ऑफ द आफ्टरनून एंड वी आर हियर एट द ब्यूटीफुल प्लेस। सुबह से नाश्ता नहीं किया है, कुछ भी नहीं खाया, वो बस पहुँचना है करके हम लोग कहीं पर रुके नहीं, और रुके तो कुछ खाया नहीं और यहाँ पर आ गया डायरेक्टली। एंड मोर हाफ एन आवर और 1 आवर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे एंड फिर बाद में कुछ खाएंगे जो लंच होगा सीधा। जिनको ब्लैक कलर देखने का था वो लोग देख लो। सो वी आर लिविंग फ्रॉम हियर, इट्स 1:22 इन द आफ्टरनून। विल गो, विल हैव लंच, फिर उसके बाद निकलेंगे ना। साइड स्टैंड इंडिकेटर चाहिए भाई, साइड स्टैंड अलग से सेंसर। टेस्ला बना ले, टेस्ला बनाएंगे इसको। आपला इट वॉज फन हियर, काफ़ी सही है, बस थोड़ा मॉर्निंग में और जल्दी आ जाओ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी थोड़ा धूप लग रहा है। यहाँ से कुछ ले क्या? अभी बालाजी खाने का मन नहीं कर रहा है, अभी लंच करने का मन कर रहा है, बस हो गया बालाजी नको। तो एक छोटे से फोटोशूट ब्रेक के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे We are heading towards some place where we can have something for our stomach at least. बहुत भूख लगी है भाई। So here are we. हम लोग वहीं पे रुके जहाँ पिछली बार आजिम, उबैद, मैं और मोहित हम लोग सब लोग आए थे। कहाँ गया भाई? गुड़ होटल हिमाचल पंजाब ढाबा, और मेन्यू भी वही ऑर्डर किया है क्योंकि पिछली बार जब हम लोग ने खाया था बहुत अच्छा था। अपाचे के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास राइडिंग मोड्स वाला अपाचे है और उसको अगर आपको 3 डिजिट लेके जाना है, मतलब 100 के आसपास, तो उस बाइक को आपको पहले स्पोर्ट्स मोड पर डालना पड़ेगा, तब जाके जो इंस्टेंट पावर जो मिलता है ना वो तारीफ करने लायक। या वी आर डन विद द लंच, 3:15 हो रहे हैं। इस बार हम लोग घोड़बंदर से जा रहे हैं, गांव से नहीं जा रहे, भिवंडी में काफ़ी लपड़ा है।
मैं अभी कल्याण में हूँ। कल्याण से मेरा घर 11 किलोमीटर दूर है और जो गूगल आंटी टाइम एस्टिमेट की है वो है 40 मिनट। One hour later. आज की जो पूरी राइड थी वो 175 किलोमीटर की थी। तो इस राइड में जो भी प्रोज एंड कॉन्स थे इस बाइक को लेकर लॉन्ग राइड्स के लिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कैसे वीडियो में। और कमलेश यार साइनिंग ऑफ।